चलिए इसी के साथ रुक करते अगली खबर का। तो जबलपुर नगर निगम के अतिक्रमण शाखा द्वारा दीनदयाल चौक पर जमे कब्जे को हटाया गया, जिसमें दीनदयाल चौक अंतर्गत राज्य बस स्टैंड के आसपास कब्जा कर बैठे ठेले टपरे को हटाने की कार्रवाई की गई। इस प्रकार की कार्रवाई अतिक्रमण शाखा द्वारा समय समय पर की जाती है, उसके बावजूद दीनदयाल चौराहे पर ठेले टपरे वापस काबिज हो जाते हैं। दीनदयाल चौक के पास अंतरराज्यीय बस टर्मिनस जब से बना है तब से बड़ी संख्या में बड़े वाहनों का आना जाना लगा रहता है, जिससे यह चौराहा बहुत व्यस्ततम चौराहा हो गया है और इसके आसपास चाय ठेले टपरे काबिज होने हो जाने से आवागमन में बहुत ज्यादा परेशानी होती है। उसी के मद्देनजर इस प्रकार की कार्रवाई की गई, जिसकी शिकायत स्थानीय लोगों ने सीएम हेल्पलाइन में भी की थी। वही अतिक्रमणकारियों का आरोप है कि कार्रवाई एक पक्षीय की जा रही है। रहे थे किसी को मुगम गाली दे रहे थे, तो ये इनकी बहन आई और वो इनसे माथा पोछी करने लगे, वो गाली अनाप शनाप देने लगी तीजा भाई। इसके बाद उसका लड़का आया बड़ा वाला, वो भी इनके ऊपर लट लेके दौड़ा। तो फिर मैं इस कार्रवाई कर रहा हूँ, लेफ्ट हैंड पर करके रखी। ये कहाँ पे हो रही है कार्रवाई? अभी ये कौन सा ढाबा है? ये बिट्टू ढाबा के सामने हो रही है अतिक्रमण की कार्रवाई। ये शिकायतें कहाँ सीएम है? पूरा क्लियर करें।